नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हाई क्रिएटिनिन होने पर किडनी रोगी अपनी डाइट में दूध से बनी कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं। ये सवाल अक्सर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि आखिर किडनी रोगी दूध से बनी कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं। तो मैंने सोचा आज इस सवाल का जवाब दे देते हैं और साथ ही दूध से जुड़े और भी कई सवालों के जवाब भी आपको देंगे। हम लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि दूध हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है और इससे हमारी बॉडी को कितने फायदे मिलते हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर उम्र के हर दौर में दूध लेना काफी जरूरी होता है। ये अपने आप में एक पूरा आहार है। अब जब दूध हमारी सेहत के लिए इतना फायदेमंद है, तो भला इससे किडनी रोगी के लिए कैसे इनकार किया जा सकता है? जी हाँ, किडनी रोगी भी अपनी डाइट में दूध को बड़े आराम से शामिल कर सकते हैं। लेकिन किडनी रोगी सीधे दूध नहीं ले सकते। अब आप कहेंगे कि पहले तो मैंने कहा कि किडनी रोगी दूध ले सकते हैं और अब मैं बोल रही हूँ कि सीधा नहीं ले सकते, इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरे कहने का मतलब है कि किडनी रोगी सीधे दूध नहीं ले सकते, बल्कि दूध से बनी चीज ले सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर किडनी रोगी दूध ले सकते हैं तो सीधा क्यों नहीं? तो आपके मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब है कि क्योंकि अगर किडनी रोगी को सीधा दूध दिया गया तो इससे उन्हें पेट की समस्याएं हो सकती हैं। किडनी खराब होने पर किडनी रोगी का पाचन तंत्र पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए दूध को पचा पाना काफी मुश्किल होता है। सीधे दूध लेने से किडनी रोगी को कब्ज, पेट दर्द, दस्त और गैस बनने की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उन्हें दूध सीधे नहीं दिया जा सकता। चलिए अब जानते हैं किडनी रोगी को दूध लेना कैसे है। तो किडनी रोगी चावल की खीर, समक के चावल की खीर, सूजी की खीर, साबूदाने की खीर, लौकी की खीर, दूध से बना गाजर, लौकी और कद्दू का हलवा, दूध से बनी लौकी के लड्डू और दूध वाली चाय ले सकते हैं। लेकिन किडनी रोगी को इनकी कितनी मात्रा लेनी है, ये उनके रिपोर्ट्स के आधार पर ही बताया जा सकता है। हाँ, अगर किडनी रोगी मधुमेह से जूझ रहे हैं तो उन्हें इन सभी मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि किडनी रोगी कितनी मात्रा में दूध को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इस बारे में कुछ भी कहने से पहले किडनी रोगी की रिपोर्ट देखना काफी जरूरी है, क्योंकि सभी किडनी रोगी की हेल्थ कंडीशन दूसरे रोगी से अलग होती है। कुछ किडनी रोगियों को दिन भर में 50 ml तक दूध दिया जा सकता है, तो कुछ किडनी रोगियों को बिल्कुल भी दूध नहीं दिया जा सकता। तो अब अगर आप किडनी रोग से जूझ रहे हैं और आप अपनी डाइट में दूध को शामिल करना चाहते हैं, तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स हमें नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए गए गूगल फॉर्म के जरिए अभी भेजें। हमारे डॉक्टर्स आपको जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। वैसे आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। चलिए अब जानते हैं कि किडनी रोगी को कौन सा दूध लेना चाहिए। तो किडनी रोगी अपनी डाइट में केवल और केवल गाय का दूध, या फिर अगर उन्हें गाय का दूध नहीं मिलता तो इसकी जगह भैंस का डबल टोन दूध ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी रोगी और कोई दूध नहीं ले सकते। वैसे कोशिश करें किडनी रोगी गाय का दूध ही लें। तो ये था दूध का दूध और पानी का पानी, मजाक कर रही हूँ। तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि हाई क्रिएटिनिन होने पर किडनी रोगी दूध से बनी कौन सी चीजें ले सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।